बेटा, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड वी कंक्लूड दैट इफ वी हैव ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एट ए पॉइंट डिस्टेंस डी फ्रॉम द कंडक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड था इट वॉज म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ फाई वन प्लस साइन ऑफ फाई टू के बराबर आया था। बेटे यही आया था हमारे पास। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स। देखो बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम एक ऐसा करते हैं, ये कहा है कि हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर सी इन विच करंट इज फ्लोइंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दिस इज एनी कंडक्टर डी इन इट द करंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। नाउ लेट दीज कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज आई वन इज इक्वल टू 6 एम्पियर एंड थ्रू दिस कंडक्टर द करंट फ्लोइंग इज 3 एम्पियर। देन ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन ज्वाइनिंग एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के बराबर होगा। देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले इस कंडक्टर में देखता हूँ मैं, अगर इस कंडक्टर की बात करता हूँ, मैंने मान लिया कि भाई हमारे पास, हमने सपोज किया कि किसी इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। बेटा अगर कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो करंट इनवर्ड डायरेक्शन में, पाम है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। देयरफॉर हम कहेंगे अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले कंडक्टर के कारण आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये बड़ा कंडक्टर है। बेटा पॉइंट की साइड में फिंगर्स को स्ट्रेच करो, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, ये भी इधर ही आएगा। दैट इज़ हम कहेंगे कि बी वन भी नीचे एक साइड में है और बी टू भी नीचे एक साइड में है। देयरफॉर वी कैन से दैट इस लाइन ज्वाइनिंग के बीच में तो कोई पॉइंट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो पॉइंट होगा इट मस्ट बी आउटवर्ड टू द लाइन ज्वाइनिंग, इस लाइन ज्वाइनिंग से बाहर है। और मैंने मान लिया कि भाई ये मेरे पास कोई भी एक पॉइंट पी है एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, और ये मैंने मान लिया कि भाई डी कंडक्टर से इट इज एट ए डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस दूरी पे है। तो बेटा हमारे पास जो सी कंडक्टर है उससे इसकी डिस्टेंस होगी वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, आर प्लस एक्स के बराबर हो जाएगी। यही ओके बेटा। अब देखो, मैंने मान लिया कि बी वन इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, बी वन है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और बी वन मैग्नेटिक फील्ड है इस सी कंडक्टर के कारण। कौन सी पॉइंट पे बेटा, पी पॉइंट पे। कंडक्टर है वो हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग है और जब इनफाइनाइट लॉन्ग होगा तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, बी वन इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई इंटू टू आई वन अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बेटा डी प्लस एक्स, करंट इनवर्ड डायरेक्शन में, फिंगर्स को स्ट्रेच किया, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज अलोंग दिस लाइन। ये बी वन आ गया, ठीक है बेटा। ये मैंने कह दिया भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, इस प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसके कारण बी टू। देखो बेटा, करंट ऊपर की साइड में, पाम मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। देयरफॉर हमने कह दिया कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी टू एंड बी टू इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई टू अपॉन कितनी दूरी पे होगा बेटा, एक्स डिस्टेंस दूरी पे होगा। अब देखो, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में कहते हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे क्या कहता है बेटा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा, जब बी वन है वो किसके बराबर होगा बेटा, बी टू के बराबर होगा। एंड वी गेट बी वन इज इक्वल टू बी टू, दैट इज म्यू नोट अपॉन फोर पाई
आई वन अपॉन डी प्लस एक्स इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई टू अपॉन एक्स। बेटा म्यू नोट अपॉन फोर पाई इस म्यू नोट फोर अपॉन फोर पाई कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया एंड वी गेट आई वन अपॉन डी प्लस एक्स इज इक्वल टू आई टू अपॉन एक्स। बेटा आई वन की वैल्यू देखो सिक्स, ये आया हमारे पास सिक्स अपॉन आर की वैल्यू एट प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन एक्स। थ्री टू जा सिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, टू एक्स इज इक्वल टू एट प्लस एक्स एंड वी गेट एक्स इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर। दैट इज डी कंडक्टर के राइट डायरेक्शन में द पॉइंट विल बी एट इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर डी। डी कंडक्टर के ये राइट डायरेक्शन में होगा और डी कंडक्टर के जैसे ही राइट डायरेक्शन में होगा तब हम कहेंगे बेटा कि इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एट सेंटीमीटर। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो कंडक्टर हमारे पास सी है उसके भी राइट डायरेक्शन में होगा एंड वी कैन से दैट इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितनी दूरी पे होगा बेटा, 16 सेंटीमीटर दूरी पे होगा और जैसे ही 16 सेंटीमीटर दूरी पे होगा तो हमने बता दिया कि इट्स वैल्यू है वो हमारे पास जीरो के बराबर होगी। ठीक है, हमने बताया था क्रॉस से वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन में, डॉट से हमारे पास क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द वर्टिकली आउटवर्ड डायरेक्शन। किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? आगे देखो, आगे क्वेश्चन हमारे पास इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं और हम क्या चेंज करते हैं कि ये हमारे पास दो वायर्स थी, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने मान लिया सी, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो हमने डी ही सपोज किया है। उसके बाद ये कहा है कि हमने क्या बनाया कि एक राइट एंगल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल बनाया। चलो इसको थोड़ा सा यू चेंज कर लेते हैं। देखो क्या है, ये हमने मान लिया कि भाई ये हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये कोई पॉइंट पी है, पी पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास क्या है भाई राइट एंगल है, दिस इज पॉइंट पी एंड द एंगल इज 90 डिग्री। ये बताया है कि आइसोस्केल ट्रायंगल बताया है, ये डिस्टेंस आर, ये वाली डिस्टेंस भी आर, ये वाली डिस्टेंस भी हमारे पास किसके बराबर हमने सपोज करी है आर के बराबर बताई है। अब ये कहता है कि हमारे पास कोई करंट आई है वो फ्लो करता है थ्रू ए वायर एट पॉइंट दिस क्यू, आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, इस वायर से करंट आई फ्लो करता है बेटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन। एंड ये कहता है कि ये वाली वायर है इसके थ्रू भी दिस वायर इज बी आर, इसके थ्रू भी हमारे पास करंट है वो आई करंट फ्लो करता है थ्रू दिस वायर। देन ये कहता है कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। बेटा ध्यान से देखोगे इस वायर में करंट किधर जा रहा है बेटा इनवर्ड, और क्या हुआ वायर में जब इनवर्ड जा रहा है, स्ट्रेच करो फिंगर्स को पी पॉइंट की साइड में, पाम है बोलो इस साइड में है या नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन रहेगा। दैट इज मैंने कह दिया कि भाई इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा बेटा बी वन आएगा, और मैं यहाँ पे बी वन लिखता हूँ, बी वन बोलो बेटा इनफाइनाइट वायर थी तो बी वन इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई इंटू टू इंटू करंट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपके पास आर के बराबर है। कैसा ट्राइंगल है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, इनके बीच की डिस्टेंस ए दे रखी है। मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि भाई अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर इज इक्वल टू टू आर स्क्वेयर एंड वी गेट ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन टू
एंड आर की वैल्यू आई वो हमारे पास किसके बराबर आ गई, आर इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू के बराबर आ गई, यही वैल्यू आई। बेटे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देन वी गेट बी वन इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन ए अपॉन रूट टू, ये मैंने कह दिया कि अलोंग पी आर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वायर है, इसमें करंट किधर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवार डायरेक्शन, और जैसे ही प्लेन के आउटवार डायरेक्शन में फिंगर्स को स्ट्रेच किया, बोलो हमारे पास पी क्यू के लोगों का, तो बेटा हमने बताया पी टू इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, और आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी बी टू इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई रूट टू अपॉन ए के बराबर आए, ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी बेटा, दो हो गई। और बेटा मैं यहाँ से आपके पास ये कह सकता हूँ बी वन बिकम्स इक्वल टू बी टू इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू रूट टू आई अपॉन ए, और बोल लो मेरे को बी वन और बी टू है इनके बीच का रिजल्टेंट एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री का, मैंने इसको सपोज कर लिया एक्स के बराबर। तो बेटा अगर हमारे पास बी वन और बी टू के बीच का वेक्टर एंगल 90 डिग्री का है, देन वी कैन से दैट बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी वन का स्क्वेयर प्लस बी टू का स्क्वेयर, एंड वी गेट बी नेट इज इक्वल टू बी वन मैंने एक्स सपोज किया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट, और यह है हमारे पास अंडर रूट ऑफ टू एक्स के बराबर आए। बेटा बी नेट की वैल्यू निकाल लो, बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू रूट टू आई अपॉन ए, इसी के बराबर आए। और बेटा रूट टू फोर आ गया, फोर म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई इंटू ए, फोर से फोर कैंसिल आउट करो तो कर ले, नेट मैग्नेटिक फील्ड आया वो है म्यू नोट आई अपॉन पाई इंटू ए के बराबर है। अब बात आती है बेटा इसकी डायरेक्शन की, और हमने ये पढ़ाया कि जब दो वेक्टर्स हैं अगर वो इक्वल हैं देन हम कहेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के बिल्कुल बीच से होगा, तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास आई है वैल्यू, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। दो वायर थी बेटा, परपेंडिकुलर थी इनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर थी आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो करंट फ्लो कर रहा था वो हमारे पास कितना करंट फ्लो कर रहा था बेटा, आई करंट फ्लो कर रहा था, राइट एंग आइसोस्केल ट्राइंगल था, राइट एंगल आइसोस्केल ट्राइंगल था, आइसोस्केल ट्राइंगल था, तो हमने इसको बताया कि भाई हमारे पास आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली इन टर्म्स ऑफ ए, ए की टर्म्स में हमने कैलकुलेट करी है, यही कैलकुलेट करी है बेटा। उसके बाद हमने क्या कहा है कि जैसे हमने इसकी टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तब हमने क्या बताया बेटा कि बी वन निकाल लिया, बी टू निकाल लिया, और पी नेट के लिए क्या बताया अंडर रूट टू एक्स आ गया, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या कहता है कि एक इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, और इसी टाइप का हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन ये दिया है कि ऐसा ही है, देखो ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके अंदर, कुछ एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखोगे आप लोग कर सकते हो, कॉन्सेप्ट यही है। देखो ये कहा है कि ये हमारे पास कोई एक क्यू वायर थी, ये कोई वायर हमारे पास आर वायर थी, इन दोनों वायर्स में से करंट है वो आई फ्लो करता है। उसके बाद ये कहता है कि दीज वायर्स आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, एंड ये कहता है कि ये कोई मेरे पास पी पॉइंट है जो इनके सेंटर से 4 मीटर दूरी पे है। नाउ हमें ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, दिस एंगल इज ओ 53 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 53 डिग्री, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। अब देखो
बेटा जैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो आप इस क्यू वायर से कह दो, क्यू वायर से मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड है बी वन, बी वन इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई इंटू टू आई अपॉन यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास बताई इसने आर। बेटा देखो ये 4 मीटर है, ये कितनी होगी 3 मीटर, तो बोलो आर की वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर। वी गेट म्यू नोट अपॉन फोर पाई इंटू टू आई अपॉन फाइव, और मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या रहेगा आपके पास परपेंडिकुलर रहेगा, और कौन सी वायर के परपेंडिकुलर रहेगा, पी क्यू वायर के परपेंडिकुलर रहेगा। बेटा इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वन। इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी वन है वो हमारे पास एक्ट करेगा, इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा बेटा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट करेगा। हमने बताया कि ये टोटल एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा बेटा आपके पास 90 डिग्री के बराबर बनेगा। एक बार आ जाओ भाई, ये 53 और ये कितना है 90, बोलो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 37 का, यही बनेगा बेटा। यहाँ से अगर आप देखते हो ये 37 का है, तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनेगा आपके पास 53 डिग्री का एंगल बनेगा, यही बनेगा भाई। हमने ये बताया है कि ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का, ठीक है भाई, इस वायर के ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा बेटा, ये एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री का, ये हमने बताया कि 53 डिग्री के बराबर है, ये हमारे पास कितना आया 37, ये भी 37, ये कितना बचा आपके पास, ये तो टोटल तो 74 हो गया बेटा, टोटल हमारे पास कितना हो गया ये 74 डिग्री के बराबर हो गया। और जब ये 74 डिग्री के बराबर बन गया, अब यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो एंगल बनेगा हॉरिजेंटल के साथ, हॉरिजेंटल के साथ हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 74, 90 माइनस 74 60 डिग्री का बनेगा। और जब इसको सोल्व करोगे ना, तब आप पाओगे कि भाई इस लाइन के साथ जो ये एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा बेटा 37 डिग्री के बराबर होगा, कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इस लाइन के साथ जो एंगल होगा वो कितना बनाएगा आपके पास 37 डिग्री के बराबर बनेगा। एक बार दोबारा देखो इसको, यहाँ से हम ये बता रहे थे कि एक ये वायर थी क्यू, एक वायर थी आर, इनके अंदर से करंट फ्लो कर रहा था, और जैसे इनके अंदर से करंट फ्लो कर रहा था, हम बता रहे थे बेटा कि जब हमारे पास इस वायर से, मैं देख रहा था इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और जैसे ये इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो ये कहा है कि भाई हमारे पास जैसे इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, देन वी कैन से दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक बेटा। उसके बाद क्या कहा है कि ये वाली वायर है, इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस वायर के हमारे पास इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, और इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, तब हमने बता दिया कि ये इस साइड में होगा, ये कहीं ना कहीं इस साइड में हमारे पास क्या होगा कि बी टू होगा। उसके बाद ये भी हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं 37 डिग्री का। बेटा बी टू की वैल्यू देखते हैं, बी टू इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई इंटू टू आई अपॉन आर, इनके बीच की डिस्टेंस आ रही है आर, और आर की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ फिर दोबारा से राइट एंगल ट्राइंगल है, तो म्यू नोट अपॉन फोर पाई इंटू टू आई अपॉन फाइव के बराबर होगा। और वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू, बी वन का मैग्नीट्यूड है बेटा वो किसके बराबर आपके पास है बी टू के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और मैंने मान लिया कि इसको किसके बराबर मान लिया मैंने एक्स के बराबर है। बेटा बी वन का देखो, बी वन का इस साइड में जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा बी वन कोस ऑफ 37 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं इस साइड में जाएगा, इस साइड में जो कंपोनेंट जाएगा वो कितना चला जाएगा बी वन साइन ऑफ 37 डिग्री, बी टू का इस साइड में जो कंपोनेंट जाएगा वो चला जाएगा बी टू कोस ऑफ 37 डिग्री,
और इसके अपोजिट, इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसके परपेंडिकुलर इस साइड में जो कंपोनेंट जाएगा वो कितना जाएगा बेटा, बी टू साइन ऑफ 37 डिग्री। अब मैंने क्या बताया, बी वन साइन 37 इज इक्वल टू बी टू साइन 37, ये तो कैंसिल आउट कर देंगे। और नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, बी वन कोस ऑफ 37 डिग्री प्लस बी वन कोस बी टू कोस ऑफ 37 डिग्री। और बी वन बराबर बी टू बराबर एक्स मान रखा है मैंने, तो मैंने ये बताया टू एक्स कोस ऑफ 37 डिग्री और टू इंटू एक्स की वैल्यू ये रही बेटा, बी वन इज इक्वल टू बी टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन 5 इंटू कोस 37 हमेशा कितना होता है 4 अपॉन 5 के बराबर होता है। बेटा यहाँ से कट कर दो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आया 4 म्यू नोट i अपॉन 25 पाई के बराबर आ गया। दिस विल बी द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, और एक क्वेश्चन ये कहता है कि भाई फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी एज शोन इन द फिगर ड्यू टू टू सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स। देखो बेटा, ये हमारे पास क्या किया है, इसने एक सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ली है, ये कोई भी सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। उसके बाद ये कह रहा है कि ये भी हमारे पास एक सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनके बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये कोई पॉइंट बताया पी, जो यहाँ से हमारे पास डी डिस्टेंस दूरी पे बताया है। तो ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा सबसे पहले तो हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा देखियो, करंट इस साइड में जा रहा है, तो पहली वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरी वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड किधर चला गया बेटा, इनवर्ड डायरेक्शन में चला गया। मैं कहूँगा कि इस वायर से, पहली वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा और जो दूसरी वायर से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद बताया इसने कि ये दोनों वायर्स थी, ये इसने सपोज किया है कि दे आर एट एन एंगल अल्फा, अल्फा एंगल पे हैं। तो बेटा आप यहाँ से क्या कहोगे, जब ये बाई सेक्टर के ऊपर है तब ये एंगल कितना हो गया अल्फा अपॉन 2, और मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आई सपोज इट इज इक्वल टू ए। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एंगल अल्फा बाई 2, तब बोलो यहाँ पे एंगल है वो कितना बनेगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2 बनेगा, और जब सेमी इनफाइनाइट है तब ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक लॉन्ग वायर है तब मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू करंट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा हमारे पास ए है, इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2, यही आया था बेटा। ये एंगल कितना है फाई 1, 90 माइनस अल्फा बाई 2। बी 1 इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस साइन 90 डिग्री। और बेटा साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, और जब ये 1 के बराबर होगी तब हमारे पास b की वैल्यू कितनी आई, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू ए इंटू साइन 90 माइनस थीटा कोस ऑफ थीटा, तो ये क्या बना कोस ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस 1 के बराबर आ गया। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। ठीक है, अगर हमारे पास इस वायर की भी मैं बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि भाई ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस बोलो बेटा ए होगी, और ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल जो बनेगा इसके लिए वो कितना बन जाएगा आपके पास 90 का बनेगा, और 90 का बनेगा तो अगेन हमारे पास बी टू की वैल्यू हमारे पास यही आएगी, दैट इज़ बी वन इज इक्वल टू बी टू इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू ए अपॉन कोस ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस 1। लेकिन ए है वो नहीं पता हमें, डी वैल्यू दे रखी है बेटा, इसी ट्रायंगल में जाओ,
इस ट्राइंगल का नाम दे लो ये पी पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट मान लो और ये कोई पॉइंट ओ मान लो। आप आ जाओ इन ट्राइंगल ओ ए पी, मेरे को क्या चाहिए बेटा, ए पी चाहिए, ओ पी की वन है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा चाहिए, इससे कर लो और इससे कर लो, इससे कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन ऑफ अल्फा बाई टू एंड ए पी इज इक्वल टू ओ पी साइन अल्फा बाई टू एंड ओ पी की वैल्यू कितनी आपके पास डी, ये आया डी साइन ऑफ अल्फा बाई टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो बेटा। देन वी गेट दिस इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई डी साइन अल्फा बाई टू इंटू वन प्लस कोस अल्फा बाई टू के बराबर आ गया। बेटा क्या चाहिए अपने को, नेट मैग्नेटिक फील्ड, और नेट के लिए क्या कर दें हम, ऐड कर दें, और ऐड करेंगे तो टू टाइम्स हो जाएगा बेटा, यह टू म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई डी साइन ऑफ अल्फा बाई टू इंटू वन प्लस कोस ऑफ अल्फा बाई टू के बराबर आएगा। दिस विल बी द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है कि हमारे पास कोई भी एक इनफाइनाइट थिन प्लेट है, वी हैव एन इनफाइनाइट थिक प्लेट ऑफ थिकनेस एल, ये मेरे पास कोई भी एक थिक प्लेट है, इनफाइनाइट लॉन्ग बताइए बेटा, इस थिक प्लेट की जो थिकनेस है वो किसके बराबर बताई इसने बेटा, एल के बराबर बताई है, और ये कहता है कि इस वायर में से करंट, हमारे पास इस प्लेट में से करंट है वो इस टाइप से फ्लो करता है, और ये कहा है कि जो नेट करंट फ्लो करता है वो कितना करंट फ्लो करता है इस वायर में से, आई करंट है वो फ्लो करता है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, जो यहाँ से इस प्लेट से ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूरी पे है। क्वेश्चन को समझना है आराम से, कोई थिक प्लेट है उसकी थिकनेस है वो एल के बराबर है, आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस थिक प्लेट, और करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, टोटल करंट आई है वो फ्लो करता है। देन ये कहता है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। बेटा जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि इस थिक प्लेट का, ये थिक प्लेट है, और जैसे ही थिक प्लेट है तो मैंने मान लिया कि इसका एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया इनफाइनाइट लोंगी, जिसकी थिकनेस है वो कितनी आपके पास डी एक्स, और उससे मैं कैलकुलेट कर लूँ पी पॉइंट पे, इससे हमारे पास पॉइंट पी है वो कितनी दूरी पे हो गया बेटा, एक्स डिस्टेंस दूरी पे हो गया, यही हुआ। मैं कहता हूँ कि जब इसकी स्मॉल पार्ट लिया है जिसकी थिकनेस डी एक्स है, एक्स थिकनेस थी तो करंट आई फ्लो कर रहा था, सॉरी एल थी, तो जब एक थिकनेस होगी तो आई अपॉन एल, और जब डी एक्स थिकनेस होगी तो बोलो आई अपॉन एल इंटू डी एक्स होगा या नहीं, तब मैंने कह दिया कि स्मॉल करंट फ्लोइंग डी आई इज इक्वल टू आई अपॉन एल इंटू किसके बराबर हो गया बेटा, डी एक्स के बराबर हो गया, और जब एलिमेंट स्मॉल है जिसकी थिकनेस डी एक्स है, दैट इज करंट डी आई फ्लो करता है, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट था तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू इंटू स्मॉल करंट डी आई अपॉन यहाँ से यहाँ तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, और बेटा ये डी बी की वैल्यू आई वो आई म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई डी एक्स अपॉन एल इंटू एक्स के बराबर हो गया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ से और यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है, तो टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन ओवर ए से ए प्लस एल, ये डिस्टेंस ए, और इस पार्ट की डिस्टेंस कितनी होगी ए प्लस एल म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई डी एक्स अपॉन एल इंटू एक्स, और बेटा म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन एल,
इंटीग्रेशन और ए से ए प्लस एल डी एक्स अपॉन एक्स के बराबर है। यही आया बेटा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स, तब हमारे पास बी की वैल्यू आई म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन एल लॉग ऑफ एक्स, और इसकी लिमिट है वो ए से कहाँ तक चली जाएंगी बेटा, ए प्लस एल तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, वी गेट म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन एल लॉग ऑफ ए प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ ए, यही आएगा। और इसको हमने सोल्व किया लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन एल ए सॉरी एल लॉग ऑफ ए प्लस एल है ही, देखने में गलती रह गई, अपॉन ए के बराबर आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी एक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या कहा इसने, कोई भी एक थिक प्लेट ली है, जो थिक प्लेट ली है उसकी थिकनेस है वो L के बराबर ली है, उससे हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। और जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तब हमने क्या बताया कि इसका एक स्मॉल पार्ट ले लिया डी एक्स थिकनेस का, इनफाइनाइट तक ही लिया है। जब स्मॉल पार्ट लिया है तो उसमें से करंट फ्लो है वो हमारे पास डी आई के बराबर होगा। डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करी आई अपॉन एल इंटू डी एक्स, बेटा यहाँ से पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना था, और जैसे पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना था तो पी पॉइंट है वो हमारे पास एक्स डिस्टेंस दूरी पे, मान लिया डी वी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, इंटीग्रेट कर दिया बेटा इसको ए से ए प्लस एल तक। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमने बताया कि लॉग ऑफ एक्स के बराबर होता है, पहले अपर लिमिट पुट करी फिर लोअर लिमिट पुट करी, बीच में साइन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। अब हमने देखा कि करंट के अलोंग थंब और मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर एक्ट कर रहा है, इट विल बी एक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन।